जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं शैला। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक अर्थात पीपीआईडी विभिन्न राज्यों में अपनी जड़ें जिला स्तर पर मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि इसका प्रथम मकसद ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी में मूल निवासी चेतना स्थापित करना। इसी के तहत पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक संविधान को लागू कराने के मुद्दे पर देश भर में संगठित कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाले 27 फरवरी 2021 को मूल निवासी चेतना रैली करनी जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यह रैली होगी, जिसको लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ब्लॉक स्तर पर तैयारियाँ चल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जगह जगह मूल निवासी चेतना रैली को लेकर मीटिंग और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रैली की पूर्व तैयारियों के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमराज सिंह पटेल दौरे पर है। गुरु संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर यह रैली होगी। इलाहाबाद के उभारी कर्मा स्थित बरदहिया बाजार के मैदान में यह रैली होने जा रही है। इस रैली की तैयारियों में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उत्तर प्रदेश प्रभारी आर के विद्यार्थी जी ने हमसे इस बारे में बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मूल निवासी समाज में चेतना पैदा करना उनके राजनीतिक सामाजिक अधिकारों के प्रति और वर्तमान सरकार द्वारा जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके प्रति एक जागृति लाना हमारा मकसद है जी। अभी तक पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 20 जिले हैं, तो उन 20 जिलों में हमने अपने प्रचार पंपलेट भेज दिए हैं और वहां से लोग जो है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इसके लिए हर जिले में एक कैडर कैंप का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ इलाहाबाद में कई डोर टू डोर मीटिंगों का प्रचार भी किया जा रहा है। आर के विद्यार्थी ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमराज सिंह पटेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और वे जगह जगह प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय हेमराज सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने आज गोती ग्राम सभा में एक बृहद कैडर कैंप भी आयोजित किया गया और उसके द्वारा हम तैयारी कर रहे हैं। अधिवेशन में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की सहभागिता के बारे में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग सत्ता में बैठी मनुवादी सरकार से परेशान हैं, साथ ही सपा बसपा इन पार्टियों से लोग निराश हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर मजबूती से खड़ी हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 जिले हैं और उसमें से 10 जिले पार्टिसिपेट करेंगे। हम अपने साधन से अपने खर्चे पर हर लोग यहाँ आएंगे। उसके लिए कुछ लोगों ने जो है वो फोर व्हीलर्स का व्यवस्था किया है और कुछ लोग बसों से और ट्रेन से भी इधर आएंगे। जो हमारे मुद्दे हैं उसमें तो सबसे पहले ये है कि राजनीतिक चेतना ना होने के कारण आज ये मूल निवासी समाज 90% होते हुए भी अभी तक अपना अधिकार हासिल नहीं कर सका और ये तमाम उन ब्राह्मणवादी शक्तियों के पीछे घूम रहा है और वो इनका शोषण कर रहे हैं। तो अपनी राजनीतिक जागरूकता ला करके इस मूल निवासी समाज को हुक्मरान समाज बनाना है। और उसके अलावा जो हमारे और मुद्दे हैं उसमें, उन मुद्दों में हम, पहला मुद्दा हमारा ये है कि आज ये जो है इस देश की संपूर्ण सरकारी संपत्तियों को ये बेच करके इस देश के मूल निवासियों को, जिनका कि इन संपत्तियों पर बराबर का मालिकाना हक है, उससे बेदखल करने का जो षड्यंत्र हो रहा है उसको रोकने के लिए समाज में एक जागृति लाना है। दूसरा, जो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करके पुनः ये मनुस्मृति काल की शिक्षा व्यवस्था को लागू करके हमारे इस मूल निवासी समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, उसके प्रति हम लोगों को जागरूक करके एक आंदोलन खड़ा करेंगे। तीसरा जो है, जो ये किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे को आड़ में इन्होंने जो 3 काले कृषि कानून बनाया, तो उन 3 काले कृषि कानून के द्वारा इन्होंने जो भंडारण की अपार छूट दे दी है, तो ये भंडारण जो है वो एक इस देश में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, चोर बाजारी को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, जिससे इस देश के आम आवाम को भूखों मरने की नौबत आएगी और पूंजीपति
किसानों के माल को सस्ते में खरीद करके बड़ी मुनाफा लेकर के कई गुना दामों में बेचेंगे, ये दिक्कत होगी। तो इसके प्रति हम लोगों को जागरूक करेंगे और इनके द्वारा ये जो इनका कानून है उसका हम विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश की जहां तक मैं समझ पाया हूं कि वर्तमान सरकार से हर व्यक्ति त्रस्त है, 99% लोग त्रस्त हैं और किसी भी हालत में इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व है, जो नेता लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो आज तक इन्हीं लोगों के इशारे पर और इन्हीं लोगों के जो है सपोर्ट में काम करती हुई नजर आ रही हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कोई अन्य हो, उनसे लोगों को नाराजगी है और वह आशा भरी नजरों में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो एक संस्थागत लोकतांत्रिक पार्टी है वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकती है और हम उन्हें इस बात के लिए मजबूती देना चाहते हैं, उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मजबूती के साथ आपके लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। आर के विद्यार्थी ने आगे बताया कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य इकाई और जिले की इकाइयां मूल निवासी चेतना रैली की जोर शोर से तैयारी कर रही है। हमारे साथ तैयारी में जो हमारे राष्ट्रीय नेता आए हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनकी प्रेरणा से, आदरणीय हेमराज जी की प्रेरणा से। और आज वो ग्राउंड भी चेक कर लिए हैं और जगह जगह अपनी योजनाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष रोहित लाल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी रामधारी यादव जी, डी एन पाल जी जैसे तमाम लोग जो है जगह जगह गांव गांव में जा करके गोष्ठियां करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन सब लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।